नॉर्मल खाने पीने की चीजें तो हम आपको दिखाते ही रहते हैं, लेकिन आज हम आपको दिखाने वाले हैं एक ऐसी मिठाई जिसे पुराने जमाने में देवता और राजा महाराजा खाया करते थे। अब जाहिर सी बात है कि ऐसे लोग इस मिठाई को खाते थे तो कुछ तो खास इसमें जरूर होगा, लेकिन इस मिठाई के साथ एक बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी भी जुड़ी हुई है जिसकी वजह से आजकल इसे खाना तो छोड़िए बहुत सारे लोग इस मिठाई को बनाने का भी विरोध करते हैं। और कंट्रोवर्सी यह है कि इस मिठाई को बनाने के लिए जिस दूध का इस्तेमाल किया जाता है वो गाय भैंस के बच्चा देने के बाद शुरू के 2 दिन वाला दूध होता है, जो कि उन बच्चों की इम्यूनिटी के लिए बहुत जरूरी होता है। तो लोग कहते हैं कि एटलीस्ट शुरू के 4-5 दिन के दूध पर तो गाय के बच्चों का ही हक होना चाहिए। खैर, स्वाद इस मिठाई का बाकी सभी मिठाइयों से अलग होता है और प्राइस होता है इसका 250 रुपए किलो। आप मुझे कमेंट करके बताइएगा कि क्या आपने कभी ये मिठाई खाई है, और अगर नहीं तो क्या आप इसे खाना